दोस्तों कहते हैं धरती पर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर। खूबसूरत वादियाँ, बर्फ की ढकी चादरों की तरह, पहाड़ों की चोटियाँ, श्रीनगर की डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। आप लोग कश्मीर के बारे में क्या सोचते या जानते हैं? क्या आपको आज से पहले पता था कश्मीर 1947 से पहले ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कश्मीर किसी का भी हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर भारत का एक मुख्य हिस्सा है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए राजा हरि सिंह को जिम्मेदार माना जाता है, जो कि डोगरा शासन के अंतिम राजा थे। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, इसे एक अस्थाई प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से छूट दी गई थी और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई। लेकिन 11 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई है। इतने वर्षों तक आतंक का दंश झेलने वाले कश्मीर ने आर्टिकल 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत हुई। कश्मीर की सुंदरता को कुछ झाड़ियों ने तहस नहस कर दिया। अब फिर से कश्मीर घाटी में केसर खिलने लगा है। धारा 370 के हटने से कश्मीर भी हिंदुस्तान से मिलने लगा है। जम्मू कश्मीर में G20 होने से जम्मू कश्मीर के उजले वर्तमान की तस्वीर इस बार सारी दुनिया ने देखी थी, जिसमें कश्मीर को 17 देशों के लोगों ने भारत का अभिन्न हिस्सा स्वीकार किया। अनेक जातियां, संस्कृति व भाषाओं का संगम बना। यह भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। तवी नदी के खूबसूरत किनारों पर स्थित जम्मू कश्मीर का यह मुख्य प्रवेश द्वार है। कश्मीर का नाम सुनते ही मन में हलचल मचने लगती है। शायद ही कोई ऐसा घुमक्कड़ होगा जो कश्मीर ना जाना चाहता हो। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से ही इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती का स्वर्ग देखने के लिए ही दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। श्रीनगर की डल झील सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर में डल लेक, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन जैसी जगह यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। कश्मीर को स्वर्ग बनाने वाली जगहों में से ही है श्रीनगर, जो झेलम नदी के तट पर स्थित है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। वहीं अमरनाथ गुफा, जो भगवान शिव के उपासकों के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हर साल भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यह वही गुफा है जहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान एक शानदार नेशनल पार्क है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियाँ और कुछ दुर्लभ जीव की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि पर्यटकों और वनजीवी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। यह जम्मू कश्मीर श्रीनगर के मुख्य शहरों से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डाचीगाम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांव की याद में रखा गया जिन्हें जल ग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाना था। कश्मीर में एक और स्थित खूबसूरत शहर सोनमार्ग, जो बर्फ से ढके मैदानों, रासीय ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। श्रीनगर से स्थित 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तल से लगभग 2800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक बेहतरीन शहर है। प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनीय ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा सोनमार्ग अपनी मनमोहनी सुंदरता से
प्रत्येक वर्ष हजारों भारतीयों और विदेशियों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। ऐसी बहुत सी जगह है कश्मीर में जिनसे शायद हम रूबरू नहीं हैं। उसी में से एक है पहलगाम, जो कि अपनी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ केसर की खेती सबसे अधिक होती है, जहाँ घास के हरे भरे मैदान और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ आंखों को सुकून देते हैं। और आपको शायद ना पता हो, अमरनाथ की यात्रा भी पहलगाम से ही शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर का गुलमार्ग शहर, बर्फीली पहाड़ियाँ, जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ, समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक मनोरम और आकर्षण से भरा पर्यटन स्थल है, जो कि बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग के लिए भी सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। कश्मीर की सुंदरता हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान की सुंदरता कश्मीर से है। जो देखते हैं ख्वाब जन्नत का, उन्हें बता दो जन्नत का रिश्ता भी कश्मीर की तस्वीर से है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा सफर कश्मीर का। यूं तो कश्मीर के बारे में कितना भी बता दो उतना ही कम है। तो अब इजाजत चाहूंगी, एक बार फिर मिलूंगी इसी शो में भारत के एक और ज्वेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।